गोमिया प्रखंड अंतर्गत गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सौगात दी। इस मौके पर गोमिया बीडीओ कपिल कुमार, सीओ संदीप अनुराग टोपनो, चिकित्सा प्रभारी जितेंद्र कुमार मौजूद थे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दूर दूर से ग्रामीण अपना इलाज करवाने आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र को सारी सुविधाओं से लैस कर फिर से पुनरुद्धार करने की बात कही। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो 8 नवंबर को चिकित्सा केंद्र में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कसमार में 5 एवं पेटरवार में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात कही। साथ ही कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सारी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, हॉस्पिटल में जो कमी है उसे पूरा किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 दो बार पूरे देश में आ चुकी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को दर दर भटकना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जा रहा है। इस मौके पर गोमिया चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ के ग्रामीणों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्धि साबित होगी और अब हम कोविड-19 के खिलाफ काफी हद तक जंग लड़ सकते हैं। इस मौके पर ONGC के पदाधिकारी रामा राव, विधायक प्रतिनिधि विपिन कुमार नायक, समाजसेवी डॉक्टर सुरेंद्र राज, विनोद पासवान, गुलाब चंद हासनदा, ओम प्रकाश सहकल, किशोर बर्मन, महेंद्र पासवान, संदीप स्वर्णकर, सहिया एवं हॉस्पिटल चिकित्सा कर्मी मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। प्रत्याशी अपने खानपुर पंचायत वासियों की छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चिकित्सा कर्मियों का और यहाँ पर उपस्थित तमाम मेरे सभी साथियों का फिर से अब दिल से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। विभिन्न घाटों का हम लोगों ने निरीक्षण किया, जितने भी छठ घाट है साफ सफाई को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ठाक से रहे, ताकि हमारे जितने भी छठ व्रती हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। उसके साथ साथ बहुत ही खुशी का बात है कि गोमिया हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन कंसल्टेंट का ONGC के द्वारा दिया गया, जिसका हम लोगों ने उद्घाटन किया, ताकि कोविड जो हमारे आने का संभावना है वैसे लोगों को जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी उनको हम लोग तुरंत हम लोग दे सकें और कोई दुर्घटना नहीं हो, इसका हम लोग संभावना देते हैं। और आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उस कमी को भी हम लोग दूर करेंगे और DMFT के द्वारा इस हॉस्पिटल को हम लोगों ने एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी सहमति हो चुकी है। आने वाले दिन में हॉस्पिटल में जो भी कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे। सर ये पहले जो कमी था उसी को देखते हुए हम लोगों ने, क्योंकि फंड की कमी के वजह से हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल पाता, तो हम लोग DMFT से जितना भी पैसा आवश्यकता पड़ेगा इस हॉस्पिटल को हम लोग मुहैया करेंगे। विधि व्यवस्था भी सर थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। DMFT से यदि डॉक्टरों की कमी है तो हम लोग लोकल स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा और भी डॉक्टर रखेंगे, जिसका पैसा राज्य नहीं बल्कि DMFT से